चूंकि अगर आवाम अगर नौजवान सारे लोग तालीम याफ्ता बन गए तो बीजेपी का हाल खराब होगा, बीजेपी को समझेंगे। बीजेपी एक बदगुनान पार्टी है, भ्रष्टाचार पार्टी है, करप्ट पार्टी है, ये समझ में आएगा बोलेंगे। सब सारे हिंदुस्तान के आवाम को नाखानदा इलिटरेट रखना चाहते हैं। मोदी जब जब डरता है, मोदी इज द मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। और डेमोक्रेसी बेकागिल्ल, हिटलर शासन बेकु मोदी और मोदी हिमसेल्फ इज हिटलर। This video present by Raidan Multi Cuisine Restaurant, variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, grand interior, genuine spices, hygienic kitchen, address Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarga. Aam Aadmi Party, Shri Arvind Kejriwal, National Convener ke qiyadat mein, sare Hindustan mein jhaadu laga rahe BJP aur Congress. BJP aur Congress dar gaye hain. डर के मारे दुनिया के सबसे बेहतरीन एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर डिप्टी सीएम को सीबीआई कोई सबूत नहीं, कोई जुर्म नहीं और कोई कारण नहीं जिसके लेके मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया जाए। आज मोदी और अमित शाह गुजरात में हिल गए, उसके लिए डर गए। डर के क्या है, मनीष सिसोदिया जी को पहले हथियार चलाए ही वो उनको पीड़ावली अरेस्ट किया। तो आम आदमी पार्टी गुलबर्गा, आम आदमी पार्टी कर्नाटका इसकी जो है ना भरपूर निंदा करती है और इस सरकार को धिक्कार धिक्कार कहती है। आज आम आदमी पार्टी कर्नाटका में 2023 के इलेक्शन लड़ने जा रही है, उस इलेक्शन में श्री मनीष सिसोदिया जी स्टार कैंपेनर थे हमारे अरविंद केजरीवाल जी के साथ, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के साथ मनीष सिसोदिया कर्नाटका का जो है ना मुखातिब कर रहे थे, उन्होंने जो है ना इसका विचार किए थे। तो कर्नाटका यूपिंग बम्बई और बम्बई की सरकार डर गई और अमित शाह और मोदी के कारण बोलिए अगर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट नहीं करेंगे तो कर्नाटका में भी शिक्षण क्रांति लाने के लिए हमारे को हराएंगे। तो बीजेपी चाहती है कोई पढ़े लिखा ना हो, तालीम याफ्ता ना हो, क्योंकि अगर आवाम अगर नौजवान सारे लोग तालीम याफ्ता बन गए तो बीजेपी का हाल खराब होगा। बीजेपी को समझेंगे, बीजेपी एक बदगुनान पार्टी है, भ्रष्टाचार पार्टी है, करप्ट पार्टी है, ये समझ में आएगा बोलेंगे। सब सारे हिंदुस्तान के आवाम को नाखानदा इलिटरेट रखना चाहते हैं, यही वजह है कि मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया है। दुनिया कहती है, दुनिया के कई देशों के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कहते हैं मनीष सिसोदिया जैसा एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशनिस्ट दुनिया में नहीं है। तो आज आम आदमी पार्टी से और मनीष सिसोदिया से और श्री अरविंद केजरीवाल से और कर्नाटका के रिंग से बीजेपी घबरा गई है। ये घबराने का नतीजा है आज जो है ना सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करके अंदर रखा है। हम इसका खंडन करते हैं और सारे कर्नाटका में हम आवाम यहाँ की इनको सबक सिखाएगी। ये इतना कहते हुए जय हिंद। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಹಗೆಯನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿಬಿಐ ಆಯಿತು, ಇಡಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಹತ್ತಾರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾದ ವಿವಾದಗಳಾಯಿತು,
ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಬಿಐ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದು, ವಿನಾಕಾರಣ ಟಾರ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೆಹಲಿಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೆಹಲಿಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕೊಗ್ಗೊಲೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮೋದಿ ಈಸ್ ದ ಮರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವರಿಗೆ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಿಟ್ಲರ್ ಶಾಸನ ಬೇಕು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ. ಮೋದಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ಹಿಟ್ಲರ್. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಸಚಿವರು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ತಾಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಅವರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗ್ತೀವಿ, ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನಿಗೆ ಹೆದರಂಗಿಲ್ಲ. ಬರತಕ್ಕಂತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಆಮ್ ಜನತಾ ಇದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸೇ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚಿಂಚನ್ ಸರ್, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಕಲಬುರಗಿ हम यही कहना चाहते हैं कि मोदी से हमारा सीधा सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, पूरा देश का जनता पूछ रहा है, तुम क्या दिल्ली के जैसा काम करके दिखा सकते हो तुम्हारे राज्य में? अगर तुम्हारे से नहीं होता है तो दूसरों को तुम अरेस्ट क्यों करते हो? हमारा राज्य का, हमारे दिल्ली में जो शिक्षा मंत्री है मनोज सिसोदिया को तुम अरेस्ट करते हो? अगर तुम्हारे बीजेपी में इतना दम है, तुम्हारे सरकार में इतना दम है, तो तुम्हारे उसके जैसा तुम्हें मुख्यमंत्री बना मिनिस्टर बना दो, एजुकेशन मिनिस्ट्री को काम करके दिखाओ। हमारे कर्नाटक में इतने लोगों का स्कूल बंद कर दिया तुम लोगों ने, जो आदमी स्कूल सुधार में आ रहा है उसको तुम जेल में डाल रहे हो। ये पूरे हिंदुस्तान को पता है कौन आदमी गुंडागिरी कर रहा है, कौन आदमी सरकार चला रहा है। रियली में आम आदमी एक जो सरकार चल रहा है दिल्ली में वो ये भ्रष्ट के खिलाफ चल रहा है। वो पार्टी स्कीम के लिए बना है, इनका पर्दाफाश करने के लिए। ये अडानी अंबानी के जैसे गुलाम बने लोग, उनके पैसे से ऐश करने वाले लोग यहाँ पे जनता ने पैसे दे के सरकार बनाया है। हम तो यहाँ पे आने वाले दिनों में कर्नाटक की जनता इनको जवाब देगी और कर्नाटक में आम आदमी की पार्टी की सरकार भी बनाएगी। जिस दिन सरकार बनेगी, तुम एक मनीष सिसोदिया को तुम अरेस्ट किए हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग मनीष सिसोदिया होके पैदा होके ऐसे स्कूल के काम करेंगे। मैं यही कहता हूँ कि हम लोगों का, हर एक आदमी का क्वेश्चन रहेगा मोदी से, तुम्हारे से काम नहीं होता है, तुम रिजाइन कर दो, तुम्हारे से लोग भी नहीं चाहिए हम। ये हम लोगों गुलबर्ग आम आदमी पार्टी के तरफ से आपको सीधा सीधा वार्निंग है। आपका नाम? शेखर सिंह, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता।